नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। सबसे पहले बात करेंगे आज के पेपर में जो अपडेट निकला है रिक्त सीट के बारे में। रिक्त सीटों की संख्या देख करके ही पूरी तरह हड़कंप मच चुका है। अब सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि न्यूज पत्रकार से बात की जाए कि न्यूज पुराने आंकड़े पर दी गई है या डीजी सर ने कल बताया है उस आधार पर। जैसा कि न्यूज़पेपर के अनुसार अगले माह तक हो जाएगी 5100 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में रिक्त रहे करीब 5100 पदों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अगले महीने तक नियुक्ति मिल जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया। शासन को पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्ति का इंतजार था जो समाप्त हो गया। गौरतलब है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1133 पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त अलग से यहाँ पर देखिए जो उल्लेख कर दिया गया 3900 पद, इसी को लेकर के विवाद बढ़ गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों को प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों से भरने का निर्णय किया है। विभाग के मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने मार्च में इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने से मामला आगे नहीं बढ़ सका। स्कूल शिक्षा महानिदेशक किरण आनंद सर ने बताया है कि जल्द ही नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा विवाद हो गया है कि जो खाली सीटों की संख्या 3900 बता दी, जबकि कुल टोटल सीटों की संख्या तक जो रिक्त हैं उसके अनुसार देखिए जैसा कि पेपर में पहले जारी किया गया था यहाँ 5400 बताया जा रहा है। तो 5400 ये रिक्त सीट है प्लस 1133 सीटें जोड़ करके होंगी, लेकिन यहाँ पर वो टोटल किस आधार से 3900 सीटें बताया जा रहा है, यही विवाद का विषय है। क्या अखबार वाले अपने मन से न्यूज दिए हैं या फिर आधिकारिक न्यूज है, यही पता करने के लिए आज लीगल टीम मंत्री जी से और इसके अलावा अधिकारियों से मिलने का भी प्लान बना रही है और फ़ोन से वार्ता भी जारी करने का इनका प्रारूप तैयार है। तो प्रदेश सरकार का जो विद्यालयों में खाली रिक्त सीटों की संख्या है जो 3900 दिखाया गया है न्यूज़पेपर, क्योंकि अभी आधिकारिक नहीं है, या तो न्यूज़पेपर वालों ने गलती से छापा है या फिर वे अपने मन से ही उल्टा सीधा लिख दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले खुद देखिए सही रिक्त सीटों की संख्या जो दर्शाया गया है, देखिए 5400 पद खाली हैं और 1133 सीटें जोड़ने के बाद 1133 सीटें तब ये दोनों पदों को बताया जाएगा मिला करके, लेकिन उन्होंने क्या किया 3900 और 1133 जोड़ के दिखा दिया। दल टीम के जो सदस्य हैं फिलहाल अपने अपने स्तर से विधायक जी जो कि ममतेश साग जी के द्वारा इन सीटों पर क्या गड़बड़ी हुई है पता लगाने के लिए अभ्यर्थी उनसे संपर्क कर रहे हैं। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के एसएससी मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद जी के जन्मदिवस पर बधाई दिया। बधाई देने के साथ ही लीगल टीम के जो सदस्य हैं अनुपम साक, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षारत साथियों की समस्याओं को सर के सामने रखा। कल बात हुआ था उनसे, उन्होंने यथासंभव सहायता देने का आश्वासन दिया। बोला कि हमारी सरकार किसी के साथ आहित नहीं होने देगी, अधिकतम पदों पर तृतीय चयन सूची जारी हो, ऐसा अनुरोध माननीय उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किया गया। यहाँ पर देखिए बातचीत का जो ब्यौरा है, उप मुख्यमंत्री जी और लीगल टीम के सदस्य ममतेश साक जी का। टीम के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी को और श्रीमती डॉक्टर कल्याणी द्विवेदी जी को वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दिया है। तो एनिवर्सरी की बधाई दी अभ्यर्थियों ने और रिक्वेस्ट किया जल्द से जल्द अधिकतम सीटों पर तृतीय काउंसलिंग कराई जाए। वहीं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दिया माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने। तो कोई परेशान ना हो, जो 3900 सीटों की संख्या है ये अमर उजाला न्यूज के अनुसार है। फिलहाल एक ट्वीट भी आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले जब कॉपियां दिखाने से इनकार तो परीक्षाएं कैसे कराएगा यूपीएससी, प्रतियोगी ने उठाए सवाल। पीसीएस और प्रवक्ता परीक्षा टालने की है मांग, जून में प्रस्तावित है दोनों बड़ी परीक्षाएं, करीब 12 लाख अभ्यर्थी हैं पंजीकृत। 4 मिनट पहले का न्यूज ट्वीट है नया भारत न्यूज, इसमें ब्रेकिंग न्यूज, स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद के अनुसार इसी महीने में लगभग 6300 पदों पर था कि 5100 1133 सीटों को जोड़ने के बाद जो पद होंगे उसके अनुसार बताया जा रहा है कि अगली चयन सूची जिसमें 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री जी सतीश द्विवेदी जी के निर्देश के बाद अब तक विभाग रिक्तियों की निश्चित संख्या नहीं बता सका है। अनुमानता 5200 सभी वर्गों और 1133 अनुसूचित जनजाति जाति की मिला करके लगभग 6300 पदों पर नियुक्तियां होनी है।
ये ट्यूट किया गया है। 4900 जो सीट दिखाया जा रहा है न्यूज़पेपर के अनुसार, उसको लेकर परेशान बिल्कुल ना हो। सीटों की संख्या जो सिर्फ खाली सीटों की संख्या है ऑफिशियल, वो ही 5100 लगभग में है। तो अगले माह तक हो जाएगी 5100 सहायक अध्यापक की नियुक्ति, जैसा कि आज के सभी पेपर की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है। प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव मई में ही कराने की तैयारी। वहीं हाईकोर्ट से विवादित प्रश्नों पर आज सुनवाई किया जाएगा, यानी कि आज फैसला सुनाया जाएगा कि आंसर की प्रकरण में क्या निर्णय लिया गया है। तो 9000 प्रसिद्धि प्राथमिक विद्यालय उत्तरकुंजी मामले में संबंधित अभ्यर्थियों की निगाहें आज के फैसले पर टिकी है। पिछले साल भर से मामला कोर्ट में लंबित था, ऐसे में यदि विवादित प्रश्न पर काम नंबर मिलते तो हाईकोर्ट में भर्ती के रिक्त पदों पर दावेदारी करेंगे। प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी याचिकाकर्ता अभिषेक श्रीवास्तव ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख करके साफ कहा है कि न्यायालय न्याय का मंदिर है और न्यायालय से हमेशा छात्रों को जीत हासिल हुई है। कहा है कि न्यायालय में जो भी निर्णय होगा स्वीकार किया जाएगा, ऐसे में प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य आज के फैसले पर टिका है। अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद है कि फैसला छात्रों के पक्ष में देखने को मिलेगा। पिछले कई महीनों से प्रदेश के सैकड़ों अभ्यर्थी आंदोलन एवं अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रख रहे थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुँचा चुके हैं। छात्रों का कहना है कि आज उत्तरकुंजी मामले में एक बड़ा फैसला प्रदेश के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से देखने को मिल जाएगा। अगले माह तक 5100 सहायक अध्यापक की नियुक्ति बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा निदेशालय ने देखिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। ये अच्छी खबर है कि प्रस्ताव को यहाँ पर सेंड कर दिया गया है। वही शिक्षक भर्ती के आवेदन की तिथि 4थी बार बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का आशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में भर्ती के लिए फिर से 10 दिन आवेदन बढ़ा दिया गया। वहीं दिनचर्या और कसरत से खुद को रखे सेहतमंद, कपालभाति प्राणायाम कसरत को दिनचर्या में शामिल करें, गुनगुना पानी का सेवन करें, 2 मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पौष्टिक भोजन लें, मरीज की देखभाल के साथ खुद का भी ख्याल रखें। कोरोना से बचने के लिए सभी जल्द टीका लगवाएं। वहीं कोरोना काल में अगर कोई भी छात्र छात्रा तनाव में है तो इन नंबर पर कॉल करके यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये है पूरे नंबर हेल्पलाइन। कोर्ट ने पूछा, तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित हुए तो आपके पास क्या प्लान है? केंद्र बताए आपात योजना। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, माता पिता क्या करेंगे? अभी से तैयारी करेंगे तो बच सकते हैं। दिल्ली का चिकित्सा ढांचा गर्त में है। हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट की चिंता इसलिए हमें, सिर्फ महाराष्ट्र में 2 महीने में 75,000 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। ये एक बड़ा फैसला हुआ है कि चयनितों को कम उम्र के अपराध छिपाने का हक है। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने पर जो मुकदमा हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि बालिक के अपराध की जानकारी नियुक्ति के समय मांगी जा सकती है, छिपाने पर नियुक्ति से इनकार किया जा सकता है, लेकिन यह नाबालिग के अपराध पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, किशोर न्याय बोर्ड से अपराध में मिली सजा को नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं बना सकता। यह छूट 16 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग को हत्या, रेप जैसे जघन्य अपराध के दोषी होने पर नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा, नियुक्ति के समय भर्ती से नाबालिग रहते हुए अपराध के खुलासे की मांग संविधान के अनुच्छेद 21 में मिली निजता और गरिमा के मूल अधिकार का उल्लंघन है। आदेश न्यायमूर्ति अजय मनोट ने अनुज कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए दिया। साथ ही कोर्ट ने नाबालिग रहते हुए नकल के आरोप में लोक अदालत से जुर्माने की सजा पाई याचिका को पीएससी कांस्टेबल पद पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 23वीं वाहिनी पीएससी एटा में नियुक्ति देने से इनकार करने पर कमांडेंट को आदेश दिया कि यह मनमाना पूर्ण करा देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा, किसी भी नियोजक को नाबालिग रहते हुए अपराध जघन्य नहीं है, ये मिली सजा के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार नहीं है। चयनित अभ्यर्थी नाबालिग रहते हुए अपराध करने पर चुप रह सकता है, उसे इसकी जानकारी देने से इनकार करने का पूर्ण अधिकार भी है। तो यहाँ पर जो याची थे उन्होंने किया क्या था, हाईस्कूल में नकल किया था, उसकी सज़ा उन्हें नियुक्ति यानी पीएससी में हुआ है तो देने से इनकार किया, उस पर ये फैसला आया। जॉब लेटर की बात करें, शिक्षण अन्य पदों पर भर्ती का मौका है। स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल में 83 पद। आचार संहिता के खत्म होने के बाद पदोन्नति ताबदले भर्तियों का है इंतजार। शासन स्तर से वार्षिक हस्तांतरण नीति जल्दी, तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर और पीसीआईएस में पदोन्नति की तैयारी भी जल्द। 15 तारीख तक भर सकते हैं फॉर्म, पंजीकरण की तिथि बढ़ी। पंचायत चुनाव के भीड़ चढ़े 2000 शिक्षक व कर्मचारी, 50-50 लाख रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की है मांग। सरकार से 50 लाख मुआवजा सरकारी नौकरी की मांग की है शिक्षक और कर्मचारी संघ ने। अच्छी खबर यह है कि 15 मई के बाद कोरोना से राहत की उम्मीद है। वहीं मृत शिक्षक के सत्यापन पर संगठन को सख्त ऐतराज, डीएम देंगे रिपोर्ट। वेतन न मिलने से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं शिक्षक, रोष है ताबदला पाए नौ नियुक्त शिक्षकों को 3 माह के बाद भी नहीं मिला है वेतन। हताश परेशान शिक्षक विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर, LPC आने के बाद भी वेतन नहीं, परेशानी भी है शिक्षक, वेतन न जारी करना गलत, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये कहा है। सत्यापन न होने से भी शिक्षक परेशान है। संकट से निकलने के लिए 5.5 लाख करोड़ के पैकेज की जरूरत है। संक्रमण की दूसरी लहर का असर पहले से ज़्यादा खतरनाक है।
समाचार के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि 4 माह में ही एंटीबॉडी खत्म होने से आई है दूसरी लहर। वहीं एक अन्य कारण है कि ब्रिटेन में जब कोरोना फैला था तो 400 फैमिली ने पूरे भारत में फैला दिया है कोरोना। वहीं एक खुराक वाले स्पुतनिक टीके की मंजूरी भी हो गई है। तीसरी लहर की तैयारी करे कोल्ट। और भारी लापरवाही, 5 दिन से दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़े हैं विदेश से आए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर, कागजों की खानापूर्ति में उलझी है ये सब मददें। तो 4 माह पहले ब्रिटेन से आया वायरस का स्वरूप देश में फैला। भारत आए थे 485 यात्री, उनके परिवार से फैली है आक्रमण दूसरी लहर। अगर ये 485 यात्री रुक गए होते एयरपोर्ट पर ही या वो देश से ना आए होते तो आज भारतीय सुरक्षित होते हैं। तो कोरोना वायरस की आक्रमण दूसरी लहर के पीछे यूके दक्षिण अफ्रीका में फैले नए स्ट्रेन में जो 4 महीने भारत आए थे, फिलहाल स्थिति है कि ब्रिटेन से मिला कोरोना वायरस आपका नया स्ट्रेन पूरे भारत में फैल चुका है। 18 राज्यों में मिला है दोहरा म्यूटेशन। भारत से दुनिया में ज़्यादातर कोरोना वायरस के कई स्ट्रेन सामने आ चुके हैं। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को जेल भेजने से नहीं मिलेगी ऑक्सीजन। अब जुलाई के बाद होगी परीक्षाओं का निर्णय। ये थी आज की न्यूज़। धन्यवाद।